मीरठ शहर, उत्तर प्रदेश। आबादी 43 लाख। तापमान 42 डिग्री। गर्मी से हाल बेहाल। भाई गर्मी तो बहुत है, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। पर जिंदा दिली में कोई कमी नहीं। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ? जो वेस्ट यूपी या यूपी का एरिया है, यहाँ पावर कट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कोई पता नहीं है कि 2 बार जा रही है, 8 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। मेरठ से ऐसे शहर है कि जिसमें लाइट की ज्यादा परेशानी है। अगर लाइट चली जाए बाद दोपहर, जनरेटर खराब हो तो पब्लिक सारी गिर जाती है। वो पैसे वैसे मांगते हैं, पैसे लेकर अपन गिर जाते, पैसे देते हैं। मेरठ में पावर कट हर दूसरे दिन होता है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो फिल्में नहीं। इसलिए इस बार मेरठ में हमने की एक नई पहल। उत्तर प्रदेश के 350 साल पुराने मशहूर नौ चंडी मेले में कलर्स सिनेप्लेक्स लेकर आया उत्तर प्रदेश का पहला सोलार पावर्ड थिएटर कलर्स सिनेप्लेक्स इलेक्ट्रो सोलार सिनेमा, जहां मेरठ की गर्मी से मिलेगी लोगों को राहत। सोलार सिनेमा से एंटरटेनमेंट में अब नो रुकावट। पूरी यूपी का पहला जो कि इलेक्ट्रो सोलर सिनेमा है, जो सोलर प्लांट से आपने ये जो चालू किया है, इस तरीके का आपने सिनेमा हॉल बना दिया, वो भी सोलर लाइट से। कलर्स सिनेप्लेक्स ने जो किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल है। इससे नौचंदी मेले के मजे में कोई रुकावट नहीं आएगी। कलर्स सिनेप्लेक्स की एक अच्छी शुरुआत, जिसने बदल दिए नौ चंडी मेले के रंग। सिनेप्लेक्स फिल्में मस्त हैं। अब फिल्मों पर पावर कट बेअसर। अब फिल्मों पर पावर कट बेअसर। अब फिल्मों में पावर कट बेअसर। क्योंकि कलर्स सिनेप्लेक्स फिल्में मस्त हैं।